और चलिए अब आपको सीधा ले चलते हैं चौमू, जहां पर आज नामांकन प्रक्रिया के तहत राजवर्धन सिंह राठौड़ यहां पर पहुंचे हैं। दरअसल आपको बता दें कि यहां से जो प्रत्याशी हैं रामलाल, उनके समर्थन में यहां पर पहुंचे हैं और फिलहाल आज बीजेपी के प्रत्याशी रामलाल जाट नामांकन की प्रक्रिया यहाँ पर आके रहेगी, नामांकन अपना दाखिल करेंगे। तो इसी के मद्देनजर आज राजवर्धन सिंह राठौड़ यहाँ पर पहुंचे हैं। तो बीजेपी के प्रत्याशी रामलाल शर्मा चौमू से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर फिलहाल एक मंच बना है, मंच में जमकर यहाँ पर समर्थन किया जा रहा है रामलाल शर्मा का। और इस दौरान जब नामांकन दाखिल करने के लिए यहाँ से रामलाल शर्मा कलेक्ट्रेट जाएंगे, तो इस दौरान यहाँ पर राजवर्धन सिंह राठौड़ भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। तो नामांकन उन्होंने दाखिल यहाँ पर कर दिया है, चौबू सीट के लिए नामांकन दाखिल किया गया है और फिलहाल फूलमालाओं के साथ यहाँ पर कई लोग उनको अभी भी शुभकामनाएं देते हुए। तो एक तरफ जहाँ पर नामांकन दाखिल कर दिया गया है रामलाल शर्मा के जरिए, तो वहीं दूसरी तरफ राजवर्धन सिंह राठौड़ यहाँ पर मौजूद हैं और भी मजबूती यहाँ पर उनको देने के लिए की जा रही है, क्योंकि जब भी कोई बड़ा चेहरा पार्टी से सामने आता है तो ऐसे में पार्टी को और भी मजबूती मिलती है, उस क्षेत्र में खासकर यहाँ पर ज्यादा मजबूती मिलती है। तो ऐसे में राजवर्धन सिंह राठौड़ उस वक्त यहाँ पर पहुंचे जब रामलाल शर्मा अपना नामांकन कर रहे थे। ऐसे देखा जाए तो अब ये एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन भी है, क्योंकि पहले भी इन्होंने यहाँ पर चुनाव लड़ा, जीता और कांग्रेस के भगवान को यहाँ पर हराया था। ऐसे में अब एक बार फिर से यहाँ पर कोशिश की जाएगी कि जो विश्वास पार्टी ने यहाँ पर जिताया है इन पर जताया है, वो उस विश्वास पर कायम भी रहे, यानी कि उस विश्वास को जीत में यहाँ पर बदल दे। और वो तस्वीर भी यहाँ पर देखने को मिल रही है, उनके समर्थक, उनके तमाम कार्यकर्ता फिलहाल फूल मालाओं से उन्हें लाद कर इस विश्वास के साथ उन्हें यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं कि एक बार फिर से वो उनके साथ खड़े हैं और यहाँ पर वो जीत दिलाएंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी उस मंच में फिलहाल उनके साथ यहाँ पर खड़े हैं। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, पहली तस्वीर अभी इस वक्त की है, यहाँ पर शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है, नारेबाजी की जा रही है, जीत का दावा किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ इस वक्त मंच पर मौजूद है, रामलाल शर्मा जो कि यहाँ पर वर्तमान विधायक भी है और एक बार फिर से उन्हें टिकट यहाँ पर मिला है। दूसरी तरफ वो तस्वीर जब इन्होंने नामांकन यहाँ पर पत्र भरा था, तो यानी कि पूरे तरीके से इस विश्वास के साथ, पूरे जोश के साथ एक बार फिर से यहाँ पर जीत हासिल करेंगे। बिल्कुल, और इस जीत का दावा भी यहाँ पर इस दौरान देखा जा रहा है कि मंच पर करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो समर्थकों का हुजूम है वो उनके साथ भी यहाँ पर साफ नजर आ रहा है और जो मुद्दे पहले उठाए गए उन मुद्दों से अलग हटकर और भी यहाँ पर विकास की बात की गई है और कहा है कि पहले भी जीते हैं और इस बार भी जीते हैं, जो पार्टी ने विश्वास यहाँ पर जताया है उस विश्वास को यहाँ पर बरकरार रखा जाएगा। तो सीधी तस्वीरें फिलहाल आपको चौमू से दिखा रहे हैं, जहां से कुछ देर पहले बीजेपी के प्रत्याशी रामलाल शर्मा ने यहां से अपना नामांकन का जो पर्चा है वो दाखिल किया है। राजवर्धन सिंह राठौड़ खुद यहां पर पहुंचे हैं और इसी के साथ दूसरी तस्वीरें भी कलेक्ट्रेट की उस दौरान की जब रामलाल शर्मा यहां पर पहुंचे और एक एक करके उस नामांकन पर्चे में अपनी जानकारी को यहाँ पर दर्ज किया गया है और शुभ मुहूर्त निकलवाया गया बकायदा इसके लिए, क्योंकि चौथा दिन है आज और ऐसे में पहले से दूसरे दिन की बात करें तो इतना ज्यादा नामांकन देखने को नहीं मिला था, लेकिन धीरे धीरे करके जो सारे प्रत्याशी हैं वो शुभ मुहूर्त का इंतजार कर रहे थे और कह सकते हैं उसी शुभ मुहूर्त के तहत रामलाल शर्मा आज जिन्होंने अपना नामांकन यहाँ पर दर्ज किया है, अब नामांकन दर्ज करने के बाद प्रचार प्रसार में यहाँ पर जुट लिया जाएगा। तो यहाँ पर पगड़ी पहनते हुए केंद्रीय मंत्री राजवर्धन सिंह राठौड़ आप देख सकते हैं, हर एक क्षेत्र का भी वो इस दौरान रुख कर रहे हैं जहाँ पर पार्टी के प्रत्याशियों को मजबूती मिल सके, प्रचार प्रसार भी यहाँ पर जमकर पार्टी के लिए किया जा रहा है। और इसी के मद्देनजर चौबू जब वो पहुंचे बीजेपी के प्रत्याशी रामलाल शर्मा के समर्थन में यहाँ पर, इसमें एक खास बात नजर और भी है, क्योंकि फिलहाल अभी केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का स्वागत किया जा रहा है, क्योंकि वो भी फिलहाल रामलाल शर्मा के साथ यहाँ पर मंच साझा कर रहे हैं। तमाम यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के और भी नेता हैं, तमाम कार्यकर्ता हैं। एक और खास बात यह है, ये उस वक्त की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब उन्होंने नामांकन पत्र यहाँ पर जारी किया, जैसे ही ये नाम सामने आ गया कि उनको यहाँ पर टिकट मिला है, एक बार फिर से जीत हासिल करने के
लिए इन्होंने एक नया तरीका भी अपनाया, क्योंकि अपने तमाम जो कार्यकर्ता उनको खुश यहाँ पर करने के लिए उन्होंने चाय की केतलियां बंटवाई, इसके अलावा कैंची उन्होंने बंटवाई, इसके अलावा खेती में ये सब्जियों की खेती करने के लिए भी जाने जाते हैं। तो इस तरीके से नए नए तरीके आजकल ईजाद करते हैं, इसलिए लोकप्रिय रामलाल शर्मा इस सीट से बहुत ज्यादा और एक बार फिर से जीत की बात यहाँ पर करते हुए नजर आए। जहां पर केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर क्या कह रहे हैं ये आपको सुना देते हैं। वो देगी या नहीं देगी, राजस्थान देगा या नहीं देगा। प्रधानमंत्री जी जिस तरह से काम कर रहे हैं, एक एक घर के अंदर जब किसी महिला से बात करो तो वो कहती है कि हाँ मेरे बारे में प्रधानमंत्री ने सोचा। किसी बुजुर्ग से बात करो तो बोले मैं इलाज कराने जब जाता हूँ अस्पताल में, मेरे बारे में किसी प्रधानमंत्री किसी पार्टी ने सोचा। अगर किसी बच्चे को करो कि मुद्रा लोन से आगे बढ़ सकता है तो बोलो भारतीय जनता पार्टी ने सोचा। अगर सैनिकों की बात करो, अगर सैनिकों की बात करो सोचा। एक एक देश का एक एक जो नागरिक है, एक एक वर्ग है, वो आज कहता है कि इस पार्टी ने, इस पार्टी के लीडरशिप ने हमारे बारे में सोचा। तो हम जो सेना है इस पार्टी की और इस देश की रखवाली करने वाले, वो इस समय जब निर्णय लेने का समय आया है, हम पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे, रामलाल जी के साथ रहेंगे और सुमेधानंद जी के साथ रहेंगे। बोलिए भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस आभार के लिए। आपके रामलाल शर्मा उनके नामांकन के दौरान वो यहाँ पर मौजूद रहे और फिलहाल पार्टी को यहाँ पर मजबूती देते हुए वो नजर आए हैं। उनका क्या कुछ कहना है चलिए आपको सुनाते हैं। तरीके से वो टिकट्स डिसाइड कर रहे हैं और जिम्मेदारियां दे रहे हैं लोगों का प्रतिनिधित्व करने में, और मैं धन्यवाद देता हूँ यहाँ पर मैं चौमू में आया हुआ हूँ या चौमू में और पूरे राजस्थान को कि एक बार फिर वापस भारतीय जनता पार्टी को सेवा का मौका देंगे, ताकि केंद्र में जिस तरह से शासन हो रहा है उसी तरह से राजस्थान में भी शासन हो, और जिस तरह से राजस्थान बीमारू देश प्रदेश बना हुआ था पहले कांग्रेस के समय में, आज प्रगति के रूप की दिशा में है और मजबूत होता जाए। तकरीबन वोट सब जगह आप लोग देख ही रहे हैं जिस प्रकार से आज आप खुद यहाँ पर आए थे। इसके अलावा एक चीज और चीज देखने को मिली है कि अल्पसंख्यकों को अभी तक किसी भी प्रकार से बीजेपी ने कहीं चेहरा नहीं बनाया, उसके पीछे क्या कहीं प्रॉब्लम तो नहीं आएगी बाद में अगर इलेक्शन अगर इस तरह से? देखिए हमारा काम करने का तरीका बिल्कुल स्पष्ट है कि सबका साथ और सबका विकास। ये कोटा सिस्टम कब से शुरू हुआ था? एक कोटा सिस्टम में हम विश्वास नहीं रखते, हम इसमें विश्वास रखते हैं कि सब बराबर है। हमारी योजना अगर कहीं नहीं पहुंच रही हो तो आप मेरे ऊपर प्रश्न कर सकते हैं, लेकिन कौन प्रतिनिधित्व करेगा इसका इसका निर्णय तो जनता ही करेगी। है कि जो टीम यहाँ पर देख रही है उनकी जिम्मेदारी बहुत अहम है और इस जिम्मेदारी को हम भी यहाँ पर बखूबी निभाएंगे।